XNS ट्रेडिंग ऐप में क्या ट्रेडिंग करना सेफ है? देखिए, यहाँ पे आपके रियल डॉलर्स लगने हैं, रियल टाइम की इन्वेस्टमेंट होनी है, ये कोई आर्टिफिशियल या हवाई दुनिया नहीं है। यहाँ पे आपको अगर डिसीजन करना है कि कौन सा आपने ब्रोकर या कौन सी ऐप सिलेक्ट करनी है जिसमें आप फॉरेक्स को डील कर सको, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि ये जो भी ऐप मैं यहाँ पे सिलेक्शन करने वाला हूँ क्या वो सेफ़ है यहाँ पे ट्रेड करना। और इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले मैं डिस्क्लेमर आपको ये देना जा रहा हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा या मैं नहीं बताने वाला कि आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन करें जिससे मुझे भी बेनिफिट होगा और आपको भी बोनस मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर रियल टर्म्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या XNS या बाकी भी ट्रेडिंग ऐप्स में ट्रेडिंग करना सेफ है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये देखना होगा कि ये जो ट्रेडिंग ऐप्स हैं या इनको ब्रोकर का अगर रोल दिया जाता है तो इनका रोल है कितना ज़्यादा। दो पॉइंट्स हैं अपने माइंड में रखिएगा, एक विदड्रॉल, दूसरा डिपॉजिट। आपने यहाँ पे डॉलर्स डिपॉजिट करनी है और फिर जब आपको प्रॉफिट या लॉस होगा तो वहाँ से आपने उनको विदड्रॉ करना है। इनमें अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जितनी भी ट्रेडिंग ऐप्स हैं, चाहे वो ऑक्टा एफएक्स हो, XM हो, XNS हो या बाकी भी ट्रेडिंग ऐप्स होती हैं, तो प्रॉब्लम्स बाज़ को सिक्योरिटी एरर्स आ जाते हैं। और ये मैंने पर्सनली देखा है, चाहे वो ऑक्टा एफएक्स हो, XM हो या XNS हो, कभी कभी इसका सिक्योरिटी एरर आता है, लेकिन विदड्रॉल में या आपके डिपॉजिट्स में ज़्यादा इश्यूज नहीं आते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये विदड्रॉल और ये जो आप डिपॉजिट करते हो ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट ये पूछ रहे होते हैं कि जी मुझे ऑक्टा एफएक्स में ट्रेडिंग करना है, मुझे इस ऐप में XNS में ट्रेडिंग करना है। भाई आप पहले फॉरेक्स को समझो कि फॉरेक्स है क्या। फॉरेक्स में एक्चुअली आपको डील करना होता है जिसमें आप चाहे कमोडिटीज़ की ट्रेड करो, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ये वाली चीज़ें हैं, या आप करेंसी पेयर्स की ट्रेड करो, इवन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज की भी आप ट्रेड कर सकते हो। और विदड्रॉल और डिपॉजिट ये के ये दो पॉइंट्स निकाल के बाकी जो आपको प्रॉफिट होना है या लॉस होना है वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको दो चीज़ें नहीं आती होंगी। ये माइंड में बिठा लें बात और ये बात अपने पल्ले बांध लेंगे तो ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ इसका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। नंबर वन है जी फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर टू है टेक्निकल एनालिसिस। लोगों को फंडामेंटल्स का तो आइडिया ही नहीं है, और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टेक्निकल्स को बिल्कुल साइड पे कर दें, सिर्फ फंडामेंटल्स पे चल लें, डिफरेंट कंट्रीज़ की रिपोर्ट्स होती हैं उनको एनालाइज़ करें, और उसका पूरा तरीकाकार है कि किस तरह से आपने रिपोर्ट्स को पढ़ के आपने फंडामेंटल्स को यूज़ करते हुए फॉरेक्स में डील करना है और आप डेली बेसिस पे अच्छे डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो सारी अर्निंग्स होनी है वो डॉलर्स में ही तो होनी है, फिर आपकी लोकल करेंसी में उसने कन्वर्ट होना है। फंडामेंटल्स के बाद बात आती है कि टेक्निकल्स की, आप देख रहे हो तो ये प्राइस चार्ट है, यहाँ पे करेंसी पेयर्स हैं तो प्राइस की मूवमेंट हो रही है, अभी उसको अंडरस्टैंड करना उसके बैकेंड्स पे किस तरह से चीज़ें चल रही हैं जी, ट्रेंड्स किस तरह से हैं, वहाँ पे कैंडल्स हैं, वहाँ पे अपने लाल रेड कलर की या ग्रीन कलर की कैंडल आपने देखी होगी उनका क्या रोल होता है, मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कब आपने मार्केट में एंट्री लेनी है और कब आपने मार्केट से एग्ज़िट करना है, और एग्जिट तभी करना चाहिए जब बंदे को प्रॉफिट हो रहे हो, और प्रॉफिट्स के लिए स्पॉट लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको लोग नहीं समझते। आप इसको कह लें कि मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट उनको नहीं आती। जब तक आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी तो तब तक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में 90% 80% के करीब जो लोग हैं वो अपना लॉस करवा रहे होते हैं, और उसकी रीज़न क्या है जी, वो सीखते तो हैं नहीं, चलो जी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, उसमें ऐप का रोल इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आपके एनालिसिस का रोल होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी ट्रेडिंग ऐप्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें विदड्रॉल डिपॉजिट, इसके अलावा जितना एनालिसिस है वो आपने आप करना है, बाकी फंडामेंटल और टेक्निकल की एजुकेशन लेना, उसकी ट्रेनिंग लेना वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो भी बिगनर्स होते हैं ना वो अपने एनालिसिस पे नहीं जाते, टेक्निकल फंडामेंटल का कुछ नहीं पता, उन्होंने जाना है कॉपी ट्रेडिंग पे, सिग्नल्स पे, कि दूसरे की स्ट्रेटजीज पे काम करें, मुझे कोई सिग्नल प्रोवाइड कर दे, मैं बाय कर लूँ, सेल कर लूँ, मुझे प्रॉफिट्स हो जाए, मुझे टेक्निकल फंडामेंटल्स के बारे में नहीं जानना। अगर आप ये करना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ट्रेडिंग में ना आए, क्योंकि आपको स्टार्ट में तो प्रॉफिट्स हो सकते हैं बट इन द लॉन्ग टर्म आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होने वाले, और ये बात अपने माइंड में रख लें। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँगा कि किसी भी ट्रेडिंग ऐप, वो कोई भी ट्रेडिंग ऐप हो, उसकी अगर आपको देखना है कि क्या वो सेफ है या नहीं है, दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपको ये देखना है कि क्या वो रेप्यूटेबल है,
क्या वो उसकी रजिस्ट्रेशन है, क्या उसके ऊपर कोई ऐसी रेगुलेटेड अथॉरिटी है कि कोई उसको रेगुलेट कर रही हो। तो आपने सिंपल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे देखना है कि इसकी रेगुलेटेड अथॉरिटी क्या है। ज़रूरी नहीं कि आपके अपने कंट्री में ये रेगुलेटेड हो, वहाँ पे आपकी अपनी जो गवर्नमेंट है उसके अंडर काफ़ी इदारे काम कर रहे होते हैं, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है या मर्केंटाइल एक्सचेंजेस होती हैं, तो वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन ट्रेडिंग ऐप्स की, क्योंकि वो आपकी कंट्री में ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई रेगुलेशन उनके ऊपर नहीं है, बाकायदा उनके ट्रेडिंग के लाइसेंसेस होते हैं। अगर मैं इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करूँ तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस हैं, ये आपको सीखना पड़ेंगे, चाहे जहाँ से मर्जी सीख लें। हम भी ट्रेनिंग इसकी प्रोवाइड करते हैं, बाकी यहाँ पे कोई आपको रेफरल नहीं मिलेगा। आपको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनका फीडबैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसीजन करें कि आपको फॉरेक्स में आना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और ट्रेडिंग ऐप की जो सिलेक्शन है वो आप इजीली कर सकते हैं। उनके रिव्यूज़ पढ़ें, आप उनके रजिस्ट्रेशन देखें, और फिर सिलेक्शन करें कि क्या मुझे इस ट्रेडिंग ऐप को सिलेक्ट करना है या नहीं करना। तो वो फीडबैक आपने ज़रूर देखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।